नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 25 जून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में हुआ इजाफा। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 223 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 8273 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अरवल में 4, औरंगाबाद में 8, बांका में 1, बेगूसराय में 16, भागलपुर में 11, भोजपुर में 5, दरभंगा में 5, गया में 12, गोपालगंज में 5, कटिहार में 2, लखीसराय में 6, मधुबनी में 6, मुंगेर में 13, मुजफ्फरपुर में 25, नालंदा में 16, नवादा में 1, पटना में 20, पूर्णिया में 2, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 16, सारण में 1, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 39, सुपौल में 4 मामले मिले हैं। वहीं बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार इजाफा भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना मरीजों के ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक कोविड-19 से 6106 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से 55 लोगों की जान भी जा चुकी है। नेपाल पहुंचे अभियंताओं के साथ 45 मजदूरों का दल। भारत नेपाल बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच जल संसाधन विभाग की टीम ने नेपाल एप्लेक्स बांध पर मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है, जिसके लिए 45 मजदूरों की टीम अभियंताओं के साथ कोविड-19 जांच रिपोर्ट के साथ नेपाल पहुंच गई है। इतना ही नहीं, मजदूरों ने वहां पहुंचकर मरम्मत का काम भी शुरू करवा दिया है। सिर्फ मजदूरों ही नहीं बल्कि उनके साथ ट्रैक्टर और जरूरी सामान भी भारतीय क्षेत्र से होकर नेपाल पहुंचा दिए गए हैं। कार्यपालक अभियंता मोहम्मद जामिल अहमद ने बताया कि गतिरोध समाप्त होने के बाद अब विभाग पहले चरण में बांध मरम्मत का काम बड़ी तेजी से करवा रही है, ताकि बाढ़ की संभावना बिहार में उत्पन्न ना हो। दरभंगा एयरपोर्ट पर चल रहे काम का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जहां एक तरफ विपक्षी दल बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आवास से बाहर निकलने की अपील कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते कुछ दिनों से लगातार ग्राउंड लेवल पर सभी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा एयरपोर्ट पर हो रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे थे। इस मौके पर उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसके बाद अब दरभंगा एयरपोर्ट पर अक्टूबर महीने में विमानों के परिचालन होने की संभावना जताई गई है। 85 साल बाद एक बार फिर से कोसी पुल पर दौड़ेंगी रेलगाड़ियां। 85 साल के बाद एक बार फिर से कोसी पुल पर सभी सुपौलवासी रेलगाड़ियों को दौड़ता देख सकेंगे। 1934 में आई प्राकृतिक आपदा की वजह से कोसी नदी पर बना रेल पुल टूट गया था, जिसकी वजह से इस पुल पर ट्रेनों के परिचालन को पूरी तरीके से बंद करवा दी गई थी, जिसके बाद अब उसी कोसी पुल पर ट्रेनों के परिचालन को फिर से शुरू करवाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत बीते दिन सुपौल जिले के सरायगढ़ स्थित कोसी पुल पर 85 साल बाद पहली बार निरीक्षण ट्रेन में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण ब्रिजेश कुमार, चीफ इंजीनियर ए के रॉय और डिप्टी चीफ इंजीनियर डीएस श्रीवास्तव भी मौजूद थे। बिहार बोर्ड ने साल 2021 की 10वीं और 12वीं सत्र के लिए जारी किया डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। बिहार बोर्ड ने साल 2021 में होने वाले 10वीं और 12वीं के सत्र के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को जारी कर दिया है, जो कि अब सभी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में दी गई गलत जानकारी के सुधार भी करवा सकते हैं, जिसके लिए सभी परीक्षार्थियों को 2 जुलाई तक का समय दिया गया है। वहीं बिहार बोर्ड ने कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्रों को 30 जून तक का समय दिया है। कोरोना की वजह से विधानसभा चुनाव में कुछ लोगों के लिए हो सकता है वोटिंग का अलग ढंग। बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन भी करवाया जाना है, जिसको देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस साल होने वाले चुनाव में वोटिंग पैटर्न के ढंग को पूरी तरीके से अलग रखने का दावा किया है, जिसके तहत जानकारों की माने तो इस बार 65 साल के लोग, कोविड-19 प्रभावित और क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को घर से वोट करने की छूट दी जा सकती है। खबरों की माने तो सोशल डिस्टेंसिंग और बूथ पर भारी संख्या में लोगों के संभावित जमावड़े को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लेने के संकेत दे दिए हैं। 29 जून तक बिहार के कई जिलों में बारिश होने की जताई गई संभावना। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच मॉनसून भी अपना असर जोर शोर से दिखा रहा है, और यह कारण है कि मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 29 जून तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश को देखते हुए सतर्कता भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत अब किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा में सामान्य बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर में 29 जून के बीच कुछ स्थानों पर भारी तो कुछ कुछ जगहों पर अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। राजद ने विधान परिषद चुनाव के लिए 3 नामों की घोषणा।
राष्ट्रीय जनता दल ने बीते दिन बिहार में इस साल होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद राजद ने फारूक शेख बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह और रामबली चंद्रवंशी के नाम की घोषणा कर दी है। इनके साथ ही बीते दिन 12 बजे विधानसभा जाकर अपना नामांकन इन्होंने दाखिल करवा दिया है। हालांकि सामाजिक समीकरण को बनाए रखने के लिए राजद की तरफ से इस बार विधान परिषद के लिए किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं भेजा गया है। बिहार के 100 ITI कॉलेज की मान्यता होगी कैंसिल। बिहार के 100 ITI कॉलेज की मान्यता कैंसिल होने की संभावना जताई गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार जिन ITI कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है उनकी सूची तैयार कर ली गई है। जल्द ही बिहार सरकार केंद्र में ऐसे ITI कॉलेज की मान्यता को कैंसिल करने की अनुशंसा को तैयार करेगी, जिसके तहत विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में चल रहे प्राइवेट ITI कॉलेज को लेकर समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई है कि राज्य में दर्जनों ऐसे ITI कॉलेज है जहां बुनियादी सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव है। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में मधुबनी के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स का नाम हुआ दर्ज। बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम का नाम अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने 8 दिसंबर 2019 को बिहार तैराकी संघ द्वारा पटना के लॉ कॉलेज घाट पर गंगा में आयोजित मिश्रा लाल स्मृति ओपन तैराकी चैंपियनशिप में 24 सामान्य व दिव्यांग तैराकों को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हालांकि शम्स अब एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। ITC अजंता समेत 4 कंपनियों ने बिहार में निवेश करने की जताई इच्छा। बिहार में निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार कंपनियों से संपर्क साध रही थी। इसी क्रम में अब सरकार को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बीते दिन ITC और अजंता समेत 4 कंपनियों ने राज्य में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। इसमें एक FMCG कंपनी भी शामिल है, जिसे बिहार में कई लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार सरकार राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई लुभावने ऑफर दे रही है, जिसमें 25 एकड़ जमीन भी शामिल है। निवेशकों से जुड़ी जानकारी उद्योग मंत्री श्याम रजक ने दी है। शिक्षकों के वेतन के लिए राज्य सरकार ने दी स्वीकृति। बिहार सरकार ने शिक्षकों को वेतन देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पैसे नहीं भेजने की बात कही है। साथ ही बिहार सरकार ने अपने जमा पूंजी से ही माध्यमिक शिक्षकों के लिए वेतन जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों के लिए वेतन के लिए 1 अरब 20 करोड़ की राशि स्वीकृति कर दी है। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने पैसे नहीं भेजे हैं, इसलिए शिक्षकों के वेतन भुगतान करवाने में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। भाजपा ने की विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू और राजद के बाद भाजपा ने भी बीते दिन 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके तहत पार्टी ने सम्राट चौधरी और संजय मयूख को उम्मीदवार बनाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और राज्य सरकार में मंत्री के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। वहीं संजय मयूख की गिनती पार्टी के तेजतर्रार नेताओं में होती है। संजय मयूख वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्य और BJP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी है। नंबर प्लेट लगाने का राजधानी पटना में बदला नियम। गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर 1 जुलाई से नया नियम लागू कर दिया जाएगा, जिसके तहत अब गाड़ी के नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम डलवाने से या लिखवाने पर इसके बदले लोगों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, जिसके लिए परिवहन विभाग ने सख्ती से निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही ऐसे वाहन चालकों से 2500 रुपए लेने का भी फैसला सुनाया है। परिवहन विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ भी लिखना अब नियमों के खिलाफ माना जाएगा। इससे वाहन चलाने से अन्य वाहन चालक का ध्यान भटकता है और इससे अप्रिय वाक्यों होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। राजद के बाद अब रालोसपा में दिखी फूट। जहां बीते दिन एक तरफ राजद में भारी फूट देखने को मिली थी, वहीं दूसरी तरफ रालोसपा में भी फूट की परिस्थिति उत्पन्न होती देखी जा रही है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कई नेताओं ने जदयू का दामन थाम लिया है। इतना ही नहीं, रालोसपा के प्रदेश महासचिव स्वीटी प्रिया ने जदयू का दामन थाम लिया है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जदयू MLC और बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने इन्हें पार्टी की सदस्यता भी दिलवा दी है। बिहार पुलिस महकमे में 400 से ज्यादा लेडी कांस्टेबल पदों पर भर्तियां हुई शुरू। बिहार पुलिस महकमे में 450 से ज्यादा लेडी कांस्टेबल पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, जिसके लिए कांस्टेबल पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 24 जुलाई जारी कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार केंद्रीय चयन परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं, जिसके लिए अब सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर लॉगिन कर आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी सकते हैं।
बिहार के युवा डिजिटल फील्ड पर चीन से कर रहे हैं मुकाबला। बिहार के युवा ने डिजिटल फील्ड पर चीन को हराने के लिए अपनी तैयारी जोर शोर से जारी कर दी है। इसी क्रम में बिहार के तीन युवा रोहन, अभिषेक सिंह और सत्यपाल चंद्रा ने आत्मनिर्भर भारत संदेश को ध्यान में रखते हुए दुनिया का पहला विजुअल डिक्शनरी वेब ब्राउजर एंड डॉक्यूमेंट रीडर ऐप मैगटैप ऐप को बनाया है। स्टार्टअप इंडिया से सर्टिफाइड भारत में निर्मित यह चीन के यूसी ब्राउजर और WPS ऑफिस जैसे कई तरह के ऐप्स को बेहतर विकल्प है और जो कि प्ले स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है, जिसको अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है। VIP नंबर के लिए अब देने होंगे निर्धारित रुपए। अब VIP नंबर पाने के लिए सभी लोगों को एक निर्धारित राशि देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत मनचाहे नंबर के लिए परिवहन विभाग की तरफ से नया रेट चार्ट जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक मनचाहा नंबर पाने के लिए 1,00,000 से 7,500 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि कम प्रचलित नंबर आपको महज 7,500 की रेंज में मिल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप 001, 003, 005, 007, 009 जैसे नंबरों के लिए 7,500 से 1,00,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इस बार मतदाताओं को किया जाएगा जागरूक। बिहार चुनाव की तैयारी शुरू कर ली गई है। वहीं वोटरों को जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग ने नई मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत COVID-19 संक्रमण को देखते हुए इस बार यह मुहिम अलग अंदाज में देखने को मिलेगा। जानकारों की माने तो इस बार चुनावी प्रचार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया जाएगा, जिसके लिए जिला स्तर पर सोशल मीडिया अधिकारी तैनात कर दिए जाएंगे। जिलों में सोशल मीडिया सेल का गठन किया जाएगा, जिसकी जानकारी निर्वाचन विभाग के उप सचिव बैजुनाथ सिंह ने दी है, जिसके तहत 3 कैटेगरी में इस पूरे जागरूक अभियान को गया है, जिसमें प्राइमरी, एडवांस और इंसेंटिव शामिल है। इतना ही नहीं, जागरूकता के लिए इस बार मल्टीमीडिया और डिजिटल मीडिया की मदद भी ली जाएगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद को फिर लिया आड़े हाथ। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन राजद सरकार पर एक बार फिर से टिप्पणी करते हुए कहा है कि राजद को मजदूरों को परेशान करने पर राजनीति करने का परिणाम मिला है, जिसके तहत उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि लालू प्रसाद की पार्टी ने कोरोना और लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में भी इस निर्णय के साथ सरकार के राहत कार्यों की सिर्फ आलोचना की है। उसकी वजह से ही उनके विधान परिषद सदस्य उनसे नाता तोड़ रहे हैं, जिसके बाद अब जल्द ही राबड़ी देवी को विरोधी दल के नेता पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। वर्चुअल मीटिंग के दौरान जीतनराम मांझी को समझाने की गई कोशिश। महागठबंधन दल में उत्पन्न हुए फूट को शांत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह दारोमदार अपने हाथों में लिया है, जिसके तहत बीते दिन वर्चुअल बैठक का आयोजन करवाया गया है। हालांकि इस बैठक में सोनिया गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद नहीं हो सके थे, मगर इस बैठक को इन दोनों नेताओं के बगैर ही संपन्न करवाया गया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन करवाया गया था। और बैठक में महागठबंधन के सहयोगी मांझी ने समन्वय समिति का मुद्दा भी उठाया। वहीं बैठक के अंत में एक सप्ताह अंदर समन्वय समिति पर सहमति बनाए जाने पर विचार विमर्श किए जाने का वादा किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद इमोशनल हुए शेखर सुमन। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बिहार के शेखर सुमन ने अपनी संवेदना उनके लिए व्यक्त की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के सारे शेर बनने वाले कायर सुशांत के जाने के बाद उनके चाहने वालों के कहर से चूहे बनकर बिल में घुस गए हैं, मुखौटे गिर गए हैं, हिपोक्रेट्स एक्सपोज हो चुके हैं। अब जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इस कदम के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम नहीं उठाया जाता, तब तक बिहार और यह देश चुपचाप नहीं बैठेगा। बिहार जिंदाबाद। इसके साथ ही शेखर सुमन ने यह भी आशंका जताई है कि हो सकता है जो चीजें दिख रही हैं वो ना हो, मामला कुछ और ही हो। डीजे ब्रावो महेंद्र सिंह धोनी के लिए बना रहे हैं एक नया सॉन्ग। चेन्नई सुपर किंग्स मैच महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलने वाले डीजे ब्रावो ने अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन के लिए एक गाना बना रहे हैं, जो वह 7 जुलाई को जारी करेंगे, जिसकी पहली लाइन MS धोनी नंबर 7 बताई गई है। खबरों की माने तो इस गाने को ब्रावो ने खुद लिखा है और कंपोज भी खुद किया है। वहीं अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने बताया कि वो इस गीत को माही के जन्मदिन पर रिलीज करने वाले हैं। इसके साथ ही वो एक नया डांस भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम हेलीकॉप्टर रखा गया है। WhatsApp ने अपने सभी यूजर के लिए जारी किया एक नया फीचर। WhatsApp ने हाल ही में अपने सभी यूजर के लिए एक नया फीचर जारी किया है, जिसके तहत जल्द ही अब सभी यूजर अपने आप में एनिमेटेड स्टिकर का इस्तेमाल कर सकेंगे। खबरों के अनुसार Android और iOS दोनों के लिए WhatsApp ने एनिमेटेड स्टिकर्स रोल करने का फैसला जारी किया है, जिसके तहत पिछले कई महीनों से WA Beta Info ऐसे स्टिकर्स को बनाने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, WhatsApp ने ग्रुप कॉल की लिमिटेशन को बढ़ाते हुए 1 साथ 8 लोगों से वीडियो चैट करने का विकल्प भी जारी कर दिया है। भारत चीन सीमा विवाद पर शत्रुघ्न सिन्हा के बयान से नाराज हुए लोग। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्वीट करते हुए सवाल पूछा कि भारत चीन की स्थिति पर इतना विरोधाभास क्यों है, लगता है देश इसे लेकर भ्रम की स्थिति में है, उसे नहीं पता कि किस पर विश्वास करे। जिसके बाद अब ट्विटर यूजर ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई है। कई यूजर ने उन्हें उनका ही प्रसिद्ध डायलॉग खामोश कहकर चुप करने की नसीहत दी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विशाल भान सिंह, बबिता कुमारी, अरुण मंडल, रणधीर कुमार, ईशु ईशा, अभिमन्यु कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, सरकार की तैयारियों को देखते हुए आपके अनुसार बिहार सरकार संभावित बाढ़ को नियंत्रण में लाने में सफल हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।